दोस्तों ये है मिस्ट मेकर मशीन, जिसे हम सैनिटाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस मशीन के हाई डिमांड की वजह से आपको ये मशीन कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। क्या आपने इस मशीन को कभी देखा है? आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है मिस्ट मेकर मशीन का वर्किंग मैकेनिज्म और आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो आपके बिजी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। चलिए दोस्तों जानते हैं मिस्ट स्प्रेयर मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों ये मशीन यूज करती है अल्ट्रासोनिक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का, जिसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1.7 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब ये कि इस ट्रांसड्यूसर को पानी में रखने के बाद इसे 1.7 मेगाहर्ट्ज एसी सिग्नल से स्टिमुलेट किया जाए तो ये डिस्क एक स्ट्रांग मैकेनिकल ऑसिलेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर का पानी भी ऑसिलेट करने लगता है और इसी की वजह से हमें दिखता है ये फाउंटेन इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम किसी स्पीकर के ऊपर पानी रखकर स्पीकर पे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की साउंड चलाते हैं तो पानी उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने लगता है। अब क्योंकि ये स्पीकर ऑसिलेट होता है लो फ्रीक्वेंसी पे, तो उसके ऊपर रखा हुआ पानी स्पीकर की मैकेनिकल वाइब्रेशंस के साथ खुद को मैच कर पाता है। लेकिन दोस्तों बात करें अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर की, तो 1.7 मेगाहर्ट्ज हाई एसी फ्रीक्वेंसी की वजह से पानी खुद की ऑसिलेशंस को ट्रांसड्यूसर की ऑसिलेशंस के साथ मैच नहीं कर पाता और लैग करता है। इसी के चलते जब अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर अपनी नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे होता है तो पानी की वेव्स में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसे कैविटेशन भी कहा जाता है, या इजी लैंग्वेज में कहें तो इसे एयर बबल्स कहते हैं। और जैसे ही ट्रांसड्यूसर वापस अपनी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पर आता है, तब यही एयर बबल्स पानी के सरफेस से बाहर फेंके जाते हैं और इनकी साइज 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच होती है, जो कि काफी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही ये टाइनी ड्रॉपलेट्स वेपर यानी मिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं और हमें दिखता है ये ब्यूटीफुल सा मिस्ट। दोस्तों एक डेंस मिस्ट बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर को 1.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करवाना बहुत जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी जरा भी कम हुई तो मिस्ट कम बनेगी। दोस्तों अगर आपको इस मिस्ट मॉड्यूल की और जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो दोस्तों इसे हम ड्राई रूम कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्ट के जरिए रूम की ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकता है। साथ ही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसे इंक्यूबेटर्स में भी यूज किया जाता है। दोस्तों इस डिवाइस को यूज करने के दौरान आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो ये कि जो लिक्विड इसमें यूज करे वो डिस्टिल फॉर्म में होना चाहिए। अगर लिक्विड के लिए आप टैप वाटर लेते हैं तो कुछ टाइम बाद इस मशीन पे या जहां आप इसे यूज कर रहे हैं वहां की जगहों पे डर्ट लेयर जमा हो सकती है, जो रिमूव करने के लिए काफी डिफिकल्ट होती है। तो दोस्तों ये था मिस्ट मेकर मॉड्यूल का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आप इस मॉड्यूल को खरीदना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर हमारा कंटेंट आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू रखता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।